स्वयं को खोजने और स्वयं को पाने के लिए कठिन तपस्या और त्याग आवश्यक है, तभी वो स्वयं को खोज सकता है, स्वयं को पा सकता है। अवस्थाएं अनुकूल हों या प्रतिकूल, आत्मचिंतन में एकाग्रता का होना कठिन होता है, लेकिन तप त्याग करने वालों के लिए ये परीक्षा होती है और जो सफल होते हैं वो सच्चे सुख के अधिकारी होते हैं। Thank you.